हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत शर्मा और आज बात करेंगे किस तरह से अखंड साम्राज्य और अकाट्य धन योग जो है हमारे जीवन में भी हम आकर्षित करने की सामर्थ्य बना सकते हैं। वो क्लू जो मैं आज आप लोगों को देने जा रही हूँ, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि गुरु ग्रह और शनि ग्रह ये दो बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं ज्योतिष में, और इन दोनों का जो महत्व है हम लोगों के जीवन के अंदर वो आधारशिलाएं बना देता है। हमारे जीवन की दिशा निर्देश जो हैं वो इन दो ग्रहों के अधीन ही निर्धारित होते हैं कि हम जीवन में कितनी तरक्की करेंगे और किस मुकाम तक हम सफलताओं को अर्जित करने की सामर्थ्य बना पाएंगे। तो ये योग अगर आपके जीवन में उस समय घटित नहीं हुए या नहीं बने, या वो धनाढ्य योग जो कि हमें धन देते हैं, अपार धन देते हैं, उनके बीच में जो स्थितियां देखी जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं, वो की जाती हैं सेकंड हाउस की, सिक्स हाउस की और इलेवंथ हाउस की। लेकिन अगर इन घरों की स्थितियां या ग्रह जो हैं वो हमारे जन्म पत्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है और हम धन अर्जित करने में बेहद मेहनत करते हैं लेकिन उतनी सफलताएं अर्जित नहीं कर पाते, उतनी सफलताएं हमें नहीं मिलती। अखंड साम्राज्य योग अगर हमारे पास नहीं है, क्योंकि सभी के पास तो नहीं होगा, क्योंकि ये योग ही 60 साल के बाद में दोबारा से घटित होने जा रहा है। 60 साल पहले 1961 में फरवरी के मंथ में सेम जो दो बड़े प्लैनेट थे, शनि और गुरु, दोनों ही मकर राशि के अंदर भ्रमण कर रहे थे और उस समय भी गुरु जो थे वो वक्री और नीच की स्थितियों में थे। उस समय जितने भी लोग पैदा हुए उनकी अगर आप लाइफ में सक्सेस का ग्राफ नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने वो बुलंदियां हासिल की, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वो जाके बैठे। आपने देखा होगा अखंड साम्राज्य योग में पैदा हुए लोग जो हैं, जैसे अकबर को बहुत कम उम्र में साम्राज्य मिल गया, इसी तरह से अगर हम ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप की बात करते हैं या हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए, उनकी लाइफ में भी इस तरह के योग उनकी जन्मपत्री में थे, या वो कॉम्बिनेशंस थे, वो एस्पेक्ट थे, वो दृष्टि संबंध थे। अगर हम बात करते हैं आज 1961 फरवरी में पैदा हुए जो लोग थे उनके जीवन की, तो 14th मई को अगर हम कंसिडरेशन में रखते हैं तो 14th मई से लेके और 24th मई तक का जो समय अब जो चलेगा, गोचर और ग्रहों की परिस्थितियां और स्थितियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनने जा रही हैं, यानी कि कुछ राशियों के लिए तो ये धन के अंबार लगा देगी, चाहे लॉकडाउन की स्थितियां हैं। अभी भी कुछ एक बिजनेस आपने देखे होंगे वो तो चल ही रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन का बिजनेस है, खाने पीने की चीज़ों का एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो वो सब चीज़ों के लोग तो पैसे कमा ही रहे हैं, चाहे लॉकडाउन की परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं। ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, ऐसा नहीं है कि लोग बिना खाए पिए सो रहे हैं, सब कोई खाना खा रहा है, सब कोई अपनी डेली नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है। तो अगर हम इन कैश करना कि मैं जो आपको क्लू देने जा रही हूँ, आप उन रेमेडीज़ को परमानेंटली करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुखद बना सकते हो। मान लो किसी का घर ही नहीं बन पा रहा, उसको घर बनाना है, किसी को वाहन खरीदना, वाहन खरीद ही नहीं पाता है, हर बार जब वो प्लान आउट करता है कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं या इतनी डिले हो जाती है कि उसके काम जो है वो अधर में ही लटक जाते हैं। तो ऐसे आधे अधूरे जब कार्य होते हैं तो उन्हें आप किस तरह से अंजाम दे सकते हो, तो ये वो समय है। 14th मई को सूर्य जो है 8:58 पे रात के समय वृष राशि में चले जाएंगे। वृष राशि में सब ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं और बुध वहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। अब ये जो समय है इसमें बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही ग्रह सेकंड हाउस यानी कि धन के स्थान पे बैठे हैं, तो धनाढ्य योग को एक तरह से आप अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं और आप भी धनवान बनने का रास्ता खोल सकते हैं। तो आप किसको पसंद नहीं आएगी ये चाबी जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, जिससे कि आप अखंड साम्राज्य योग और धनाढ्य योग के लिए एक ताला खोलने की कैपेबिलिटी, सामर्थ्य जो है अपने अंदर की अपने लिए इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो
नोट कर लीजिए वो उपाय जो आपने 14th मई से लेके 24th मई तक रेगुलरली करने हैं, ताकि इन एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में इनकैश कर पाएं। यानी कि अगर आपको वाहन से संबंधित दिक्कतें हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें हैं, या आपका घर नहीं बन पा रहा, या प्रॉपर्टी के मसले हैं, लिटिगेशंस में हैं, या आपके फैसले आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते जा रहे हो, आपके हक में ही नहीं हुए, तो आपने सिंपल से उपाय करने हैं। यानी कि ये वो समय है जब आप अपने घर के अंदर धन कुबेर को परमानेंटली स्थापित कर सकते हैं। आपको देखना क्या है कि 9वीं राशि और 12वीं राशि इनकी दिशाएं कौन सी हैं, 10वीं राशि और 11वीं राशि इसकी दिशाएं कौन सी हैं। अब हम 9वीं राशि यानी कि धनु राशि की बात करते हैं, तो इसकी दिशा वास्तु पुरुष में नॉर्थ ईस्ट है। मीन राशि जिसका स्वामित्व भी गुरु के पास में है, उसकी राशि का जो स्थान है वो साउथ ईस्ट है। अब हम इनमें से जो मेन एनर्जीज हैं इनको कैसे टैप करेंगे। हमने क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हल्दी से बने हुए गणेशा या तो स्थापित करने, या ब्रास के बने हुए गणेशा को स्थापित करना है, जो कि ब्लेसिंग की उसमें हो, पोस्चर में हो, और उनका जो आसन है वो येलो होना चाहिए। अगर येलो नहीं है तो येलो कलर के कपड़े के ऊपर आपने उनको स्थापित करना है। आपने साउथ ईस्ट की तरफ बैठ के और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करना है, और आपने ओम गं गणपते नमः मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है। उस समय में आपने इस इंटेंट को रखना है कि आपकी लाइफ में गुरु की एनर्जीज परमानेंटली एक ब्लेसिंग की फॉर्म में आ जाए। और दूसरा इसका एक उपाय, यानी कि 14th मई से लेके 24th मई तक का समय, क्योंकि इस समय शुक्र सूर्य बुध तीनों ही ग्रह रिसोर्सेज के राशि वृष में बैठे हुए हैं, धनाढ्य योग बन रहा है। गुरु और शनि दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि अखंड साम्राज्य योग बना रहे हैं, जो कि 60 साल बाद दोबारा से घटित हो रहा है। तो हमने इन एनर्जीज को अपने घर के अंदर कैसे कैप्चर करना है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी गुरु का नाम ले लीजिए। अगर आपके पास में कोई कैपेबल, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई सामर्थ्यवान गुरु है इस समय जिसका आप ध्यान कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, तो आप कम से कम मन में तो किसी को मान सकते हो कि ये आपका गुरु है, उसका उसके साथ अपनी एक कनेक्टिविटी बनाइए, एक उसके साथ समर्पण और आदर का भाव बनाइए। और आप इस तरह से इन दिनों के अंदर जितना ज़्यादा साधनाएं कर सकते हैं, यानी कि मेडिटेशन में समय व्यतीत कर सकते हैं, उतने ही आपके चक्रास को भी आप ऊर्जित कर पाएंगे। यानी कि आपको गुरु की एनर्जीज को अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने के लिए अपनी लाइफ में किसी एक बड़े इंसान को आदर सम्मान देना है, किसी एक गुरुजन को अपनी लाइफ में स्थान देना है, किसी गुरु का नाम लेना है, तो गुरु ही आपका बेड़ा पार करेंगे। और इस समय में लिया हुआ नाम आपके लिए अखंड साम्राज्य के द्वार खोल देगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है शनि ग्रह की एनर्जीज को अपने लाइफ में लेके आना। उसके लिए जो वेस्ट की जोन है, वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वो शनि की दिशा है। आपने उस दिशा के अंदर और वेस्ट की एनर्जीज को एम्पावर करने के लिए शनि की जगह में, क्योंकि नंदी बैल भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने नंदी बैल वहाँ पे रखने हैं, क्योंकि वो श्रम का परिचायक है। नंदी बैल एनर्जी का परिचायक है, यानी कि हार्डवर्क को बहुत पसंद करते हैं शनिदेव। तो आपने उनको डेली उन्हें क्लीन करना है, और उनके पास खड़े होके आपने उस जगह पे ध्यान देना है। एक शमी का पौधा आता है जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है, उसे भी वेस्ट जोन में आपने इन्हीं दिनों के अंदर मंगवा के लगाना है, और उसको सींचना आरंभ कीजिए। इस तरह से गुरु और शनि दोनों की एनर्जीज को आप अपने लाइफ में परमानेंटली एड ऑन जब इन योग, विशेष योग और विशेष दिनों के अंदर लेके आएंगे, तभी आप अपने लिए अखंड साम्राज्य और अखंड अकाटे धनाटे योग की संभावनाओं को रचित कर पाएंगे। तो आपने आज ही इसे नियम अनुसार कैसे करना है इसकी प्लानिंग कर लेनी है, क्योंकि अब ये योग बहुत दूर नहीं है, 14 आने वाला है। 14 से 24 के बीच में आपको जो समय है इसका सदुपयोग करने के बारे में मैंने जो आज चर्चा की, 60 साल के बाद में घटित होने वाले इन योगों का पूर्ण रूप से आप लाभ उठाइए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है और मंगल कामना है। शुभ हो, मंगल हो, नमस्कार।